सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज अपन लोग रिव्यू करने वाले हैं बजाज की तरफ से RS 200 का। एकदम डिटेल में हम इस बाइक के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है देने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देख लेना अगर आपको इसके रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है सारी जाननी है। साथ ही मैं इसके रिलेटेड इसके जितने भी फीचर्स होंगे, प्राइस, माइलेज, वेटिंग पीरियड, सब आपको इस वीडियो में कंप्लीट आपको बता दूंगा। सो ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। सो सबसे पहले हम अपने इंजन स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। सो इंजन आप इसे देखोगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही हमको स्ट्रॉन्ग इसमें इंजन जो है मिलने वाला है। 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इस इंजन इसमें हमको मिलने वाला है। जो इसकी इंजन डिस्प्लेसमेंट मिलने वाली है वो मिलेगी 199.4 cc की। एंड जो ये पावर प्रोड्यूस करेगी वो करेगी 24 PS की। एंड टॉर्क की बात करें तो 18.6 Nm का टॉर्क इसमें आपको मिलने वाला है। सो 6-स्पीड बाइक ही हमको मिलने वाली है। एंड ओवरऑल आप इसकी लुक देखोगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी हमको इस वाली बाइक में मिल जाती है। एंड इसके जो कॉम्पिटिटर्स है अदर, जैसे आते थे हमारी सुजुकी की तरफ से जिक्सर SR250 एंड यामाहा के तरफ से R15 V4 एंड V3। सो ये वाली बाइक जो है हमारे कॉम्पिटिटर्स का ज़्यादा ही अच्छा रिस्पॉन्स इसको इस वाली बाइक ने हमको दिया है। एंड इसके आप लुक्स भी देखोगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्लीक रखी गई है। एंड कम्प्लीट यहाँ पर हमको हमारी LEDs में ही मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप अपने बाइक के लुक्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर हमको कम्प्लीट हमारा प्रोजेक्टर सेटअप मिलने वाला है। LED टर्न इंडिकेटर्स हमको इस वाली बाइक में मिल जाने वाले हैं। टायर से बात करते हो यहाँ पे फ्रंट टायर हमको मिलने वाला है 100/80 17 inches का ट्यूबलेस टायर इसमें हमको मिलने वाला है। ड्यूल चैनल ABS के साथ वाली बाइक आप सभी लोगों को प्रोवाइड हो जाती है। एंड एक बार अगर आप इसके अलॉयस पे लुक डालोगे तो यहाँ पे कंप्लीट हमको वाइट कलर में ही रखे गए हैं। देख लो डिस्क हमारे यहाँ पे फ्रंट पे दी हुई है। ABS की यहाँ पे हमको स्टिकरिंग मिलने वाली है। बाइब्री की इसमें हमको कैलिपर्स मिलने वाले, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाला है दोनों तरफ यहाँ पे देख सकते हो। फुल इसकी बॉडी जो हमको कार्बन फाइबर में ही दी गई है। सो एक बार मैं आपको इसकी DRLs है वो भी कंप्लीट दिखा देता हूँ। सो अगर आप इसकी DRLs की लुक देखोगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमको शार्प टाइप इसमें लुक रखी गई है। दोनों तरफ हमको प्रोजेक्टर मिल जाएंगे, एक साइड हमारा लो बीम का एंड एक साइड हमको हमारा हाई बीम का मिल जाएगा। एंड एक बार आप इंडिकेटर्स भी चेकआउट कर सकते हो। सो इंडिकेटर देखोगे यहाँ पे कंप्लीट बहुत अच्छी लुक के साथ रखे गए हैं। एंड इसकी जो ब्लिंक है वो भी स्पीड जो है इंक्रीज़ कर दी गई है। सो फ्रंट से लुक देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी टाइप इसकी लुक हमको मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा बल्की टाइप इसकी अपीयरेंस हमको प्रोवाइड हो जाएगी। सो ऊपर देखोगे तो यहाँ पे हमको एक विंडशील्ड मिली गई है, ठीक है। एंड यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की विंडशील्ड इसमें हमको प्रोवाइड हो जाती है। मिरर देखोगे तो मिरर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्लीक शेप में हमको मिल गया है। यहाँ पे हमारी नंबर प्लेट जो है फिट हो जाने वाली है। सो एक बार अब हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं। सो अगर आप इसके कंसोल पर लुक डालोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमको ब्रॉड सा दिया गया है। इसका जो हमारा हैंडल है वो भी अब थोड़ा सा वाइडर कर दिया गया, जिससे आपका जो कंफर्ट है बाइक को राइड करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाता है। सो टैंक आप इसका देखोगे कंप्लीट वाइट कलर में हमको ये मिलने वाला है। बीच में देखोगे यहाँ पे हमको थोड़े ब्लैक इंसर्ट्स भी दिए गए हैं। सो 13 liters का टैंक के साथ ये वाली बाइक जो है हमको मिलने वाली है। एंड इसको हम लिफ्ट करेंगे। सो यहाँ पे की जाने के बाद इसको ट्विस्ट करने में हमारा जो फ्यूल लीड है वो ओपन हो जाएगा। वैसे अगर आप कंसोल की तरफ इसके लुक डालोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर देगा। सो पहले हम एक बार इसके बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं। उस तरफ हमको हमारे इग्निशन स्टार्ट स्टॉप का नीचे है ना, हमको हमारी बाइक को ऑन करने के लिए स्विच मिल जाएगा। एंड इस साइड देखो तो यहाँ पे हमको डिपर पास का मिल जाएगा। नीचे की तरफ हमको मिल जाएगा हमारे हाई बीम लो बीम का, इंडिकेटर्स का, नीचे हॉर्न का बटन की प्लेसमेंट हो जाने वाली है। सो एक बार अगर आप इसकी कीज़ पे लुक डालोगे तो स्टैंडर्ड कीज़ ही रखी गई है हमारी यहाँ पे। एंड रिसेंटली हमारे बजाज की तरफ से डोमिना 2022 वाले वेरिएंट का रिव्यू भी करा था। सो अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सो एक बार हम अपने कंसोल के बारे में बात कर लेंगे। सो ब्लू कलर में एलुमिनेटेड मिलने वाले हमको यहाँ पे। एंड बटन्स भी जो है इसके हमारे को ब्लू कलर में ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखोगे स्पीडोमीटर हमको आ जाएगा। एंड ये आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन जो है इसमें मिल जाएगा, हाफ डिजिटल एंड हाफ एनालॉग। इस साइड हमको हमारी थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पे अपना स्पीडोमीटर, साइड स्टैंड का हमको इसमें ऑप्शन जो है स्विच ऑप्शन इसमें मिल जाएगा कि अगर आपका साइड स्टैंड है तो आपकी बाइक जो है गियर में नहीं जाने वाली। यहाँ पे हमको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिल जाएगा, जैसे अगर आपकी RPM इंक्रीज़ हो गई तो अगर आपको कब अपनी गियर को चेंज करना है वो वाला इंडिकेटर आपको इस वाले बाइक में प्रोवाइड हो जाएगा। इस साइड अपना टाइम, ट्रिप। एंड आप यहाँ पे दो बटन देखोगे तो जो M वाला बटन है द फर्स्ट वन, इसको प्रेस करोगे तो हमारी ट्रिप जो है उससे चेंज हो जाएगी। एंड यहाँ पे ABS का साइन मिलेगा। उधर की तरफ हमको एक फ्यूल गेज भी मिलने वाला है फ्रंट में अपने एनालॉग के साथ में। इधर देखोगे इस साइड हमको बजाज का लोगो, बैटरी का, इंजन मैन फंक्शनिंग का। एंड यहाँ पे जो हमारे इंजन का टेम्परेचर है उसके बारे में कंट्रोल हमको इस साइड मिल जाने वाले हैं। अगर आप फ्रंट से लुक देखोगे बाइक की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी यहाँ पे रखी गई है। सो अगर हम कंफर्ट की बात करेंगे तो कंफर्ट इस वाली बाइक में काफ़ी ज़्यादा हमको अच्छा प्रोवाइड हो जाता है। सो अगर आप इस वाली बाइक को लेकर थोड़ी लॉन्ग राइड्स पर भी जा रहे हो अपनी पल्सर RS 200 को लेकर, सो आपके राइड जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको होने वाली है। एंड अगर आप अपनी जो ड्राइवर है उसकी सीट भी देखते हो, जो
पिलियन पैसेंजरों की सीट भी देखो तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे रखी गई है। इस साइड हमको एक ग्रैब हैंडल जो है मिल जाएंगे जो थोड़े अलग टाइप लुक में हमको मिलेंगे, बाकी सारे इसके कॉम्पिटिटर्स के काफ़ी ज़्यादा अलग लुक में इसके ग्रैब हैंडल्स भी रखे गए हैं। पीछे हमको टेल लाइट मिल जाने वाले काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक में आपको रखी गई है, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर डिफरेंट लुक इसमें हमको मिल जाती है। एक बार मैं ऑन करके इसके इंडिकेटर्स ऑन करके आपको बैक से भी लुक दिखा देता हूँ। सो बैक से भी अगर आप इसकी लुक देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही इंडिकेटर्स की भी। नीचे हमको एक LEDs में ही हमारी नंबर प्लेट लाइट मिलने वाली है एंड पीछे हमको एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा। सो अगर आप मान से डाल पा रहे हो तो वो हमारा सस्पेंशन होने वाले मोनोशॉक सस्पेंशन बैक में हमको प्रोवाइड हो जाएगा। सो बैक के टायर की बात कर ले, सो 130x70 इंच का बैक टायर हमको इसमें मिलने वाला है। ड्यूल चैनल ABC वाली बाइक हमको आने वाली है, एक कंप्लीट पैकेज होता है हमारा, मोस्ट ऑफ द वैल्यू फॉर मनी बाइक ये वाली हमको मिल जाती है। एंड अगर आप इसके अलॉय पे लुक डालो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लुक दे रहे हैं, कंप्लीट वाइट कलर में हमको इसके अलॉय जो है प्रोवाइड हो जाते हैं। सो एक बार आप कंप्लीट अपनी बाइक पे नज़र डाल सकते हो। सो गाइस बात कर लेते हैं RS 200 की प्राइसिंग के बारे में। सो जो इसका आपको एक्स शोरूम पड़ने वाला है वो होने वाला है 1,64,000 के अप्रॉक्स। एंड ऑन रोड की बात कर ले तो ऑन रोड आपको अप्रॉक्स 1,90,000 तक चले जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं स्वदेशी बजाज में आऊँ एंड जितने भी शोरूम की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप एक बार वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने सारे क्वेश्चंस की सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी अगर अपनी बाइक को ऑन कर लेते हैं एंड आपको जो है इसका एग्जॉस्ट नोट है बहुत प्यारा सा वो सुना देंगे। यहाँ पे से एग्जॉस्ट नोट जो है हमको मिल जाएगा एंड जो हमारी फ्रंट से हमारी यहाँ पे प्रोजेक्टर्स का यहाँ पे थ्रू आने वाला है वो भी आपको एक बारी में कंप्लीट में शो कर दूंगा। मैं अपनी बाइक को एक बारी ऑन कर लेता हूँ। सो जैसे हम इस बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक फ्यूल इंजेक्शन की साउंड भी आने वाली हल्की सी। सो गाइस अब आपको एक बार मैं इसका रिस्पॉन्स चेकआउट करा दूँ हमारी लाइट्स का। सो फ्रंट में आप देखोगे ये हमारी लो बीम जो है ऑन हो चुकी है एंड ये हमारी हाई बीम एंड दिस वन इज द डिपर पास। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके माइलेज के बारे में। इसमें माइलेज आपको इजीली 40 के अराउंड जो है मिल जाएगी एंड आपको इसका जो एग्जॉस्ट एंड इसके लाइट्स के थ्रू है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड गाइस बात करें अपने इस बाइक की वेटिंग पीरियड के बारे में, सो मैं स्वदेशी बाजार में आया, मैंने आपको पहले बता दिया था। सो इस वाले शोरूम में ये बाइक का जो स्टॉक है वो अवेलेबल है। सो अगर आपको बुक करानी है सो आप आज ही आके अपनी बाइक को बुक करा सकते हो एंड आपको बहुत जल्दी दिनों में आपकी बाइक की डिलीवरी हो जाएगी। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट अवर टुडेज वीडियो, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एंड होकर तो आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर देना। सब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।